मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। के स्वयं का घर में एक बहुत अच्छी औषधि, बहुत ही अच्छी, उसका नाम है दूधी भोपड़ा। ये जो दूधी भोपड़ा है ये अद्भुत है, इसकी भाजी आप खाते हैं रोज बहुत अच्छा है, तरकारी खाते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसका रस पिए दूधी भोपड़े का तो आपके शरीर की 15 बीमारियों को अकेला दूधी भोपड़े का रस ठीक कर देता है। सबसे खराब बीमारी जिसको हृदय घात आप सब समझते हैं, हृदय घात, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, जिनको भी है या हुआ है या होने की शक्यता है, उन सब की सबसे अच्छी औषध है दूधी भोपड़ा, दूधी भोपड़े का रस। क्या करना है, दूधी भोपड़े को काटना छोटा छोटा पीस, फिर चटनी बनाना, फिर उसको कपड़े में निचोड़ के रस निकाल, नहीं तो मिक्सर में सीधे छोटे पीस काट के रस निकाल सकते। अब ये जो दूधी भोपड़े का रस है इसमें थोड़ा कोतमीर का रस मिला, एक गिलास दूधी भोपड़े के रस में आधा चम्मच कोतमीर का रस, फिर इसी में आधा चम्मच पुदीने का रस मिला, पुदीना, फिर इसमें आधा चम्मच आल का रस मिला, अदरक, थोड़ा इसमें तुलसी का रस भी मिला सकते हैं आधा चम्मच, और ये सब मिला के जो रस तैयार हुआ इसको सुबह सुबह पीना। तो इससे क्या क्या ठीक होने वाला है, हृदय घात कितना भी खराब स्थिति का हो, 3 महीने अगर किसी ने सतत ये पी लिया उसको जिंदगी में दोबारा हृदय घात कभी नहीं होगा। और डॉक्टर अभी कहता है आपको कि ऑपरेशन करा लो, कल करा लो, नहीं तो परसों आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, आप डॉक्टर को नमस्ते करके घर आ जाइए और उसी दिन से दूधी भोपड़े का रस पीना शुरू कर दीजिए। 3 दिन भी अगर पी लिया तो मेरी गारंटी है कि अगले 30 साल हार्ट अटैक नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो हृदय घात की सभी बीमारियों में सबसे अच्छी औषध है दूधी भोपड़े का रस। कभी कभी डॉक्टर आपको ये कहता है कि आपके हृदय में ब्लॉकेज है, आर्टरीज आपकी ब्लॉक हो गई है, 90% ब्लॉक हो गई, 2 आर्टरीज, फिर बोलेगा एक तीसरी वाली 70% ब्लॉक हो गई, तो भी डॉक्टर को नमस्ते करके घर आ जाए, वो तो बोलेगा अभी ऑपरेशन करा लो, नहीं तो कभी भी मर जाओगे। तो डॉक्टर को कहना है कि जीना मरना सब ईश्वर के हाथ में है, आपको नमस्ते, आपने हमको सुझाव दिया, धन्यवाद, घर आके दूधी भोपड़े का रस चालू कर दो, दोबारा उस डॉक्टर के पास जाने की गरज ही नहीं पड़ेगी। हृदय की सभी बीमारियों में सबसे अच्छी औषध है दूधी भोपड़ा। इस दूधी भोपड़े से और भी एक रोग ठीक होता है, ये संधिवात, अगर गुड़गे का दर्द है, कमर का दर्द है, कंधे का दर्द है, दूधी भोपड़े का रस पीते रहिए, 3-4 महीने में ये सब दर्द निकालेगा। इसी दूधी भोपड़े से एक और रोग ठीक होता है, आधा सिर का दर्द, माइग्रेन। इसी दूधी भोपड़े से एक और रोग ठीक होता है, कब्जियत, कोष्ठबद्धता, मलबद्धता। इसी दूधी भोपड़े से एक और रोग ठीक होता है और वो रोग आपके रक्त के विकार का है, रक्त में कई बार एसिडिटी बढ़ जाती है, रक्त में एसिडिटी आ जाती है, ज्यादातर एसिडिटी पेट में होती है लेकिन कई बार रक्त में आ जाती है, और रक्त की एसिडिटी सबसे खराब होती है। इतने खतरनाक रोग आते हैं कि जिसको ठीक कोई ना कर पाए, सोराइसिस हो सकता है, इचियोसिस हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है, इन सभी रोगों में आधारभूत औषधि है दूधी भोपड़े का रस। अगर आपको ब्लड प्रेशर बहुत ऊंचा होता है, बहुत हाई है, दूधी भोपड़े का रस लेंगे ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर देता है, मोटापा बहुत हो गया है, ओबेसिटी आ गई है, वजन बढ़ गया है, दूधी भोपड़े का रस पीजिए, 4 महीने वजन कम कर देता है, नींद नहीं आती रात को दूधी भोपड़े का रस पीजिए, बहुत अच्छी नींद आएगी, भूख नहीं लगती दूधी भोपड़े का रस पीजिए, भूख बहुत अच्छी लगेगी, आंखों की रोशनी कम हो गई है जिनकी उनको दूधी भोपड़े का रस पिएंगे तो रोशनी बढ़ जाएगी आंखों, 3-4 महीने। लेकिन इसको ज्यादा भी लेंगे तो कोई तकलीफ नहीं आने वाली, 4 महीने तो कम से कम ले ही लीजिए, लेकिन अगर 4 से 8 महीने भी ले लें तो कोई हरकत नहीं, बार बार नहीं मिलते ना, बार बार मिलेगी, घर में लगा लीजिए। दूधी भोपड़े का एक बीज आप लगाएंगे तो उस पर कम से कम 100 दूधी भोपड़े आएंगे, तो घर में लगा लीजिए, इतनी जगह में, छोटी सी जगह में हो जाती है,
गमले में भी हो जाती है, कभी भी मिलेगी। अच्छा जी, नहीं मिला समझ। हाँ, दूधी भोपड़े के रस से भी काम होगा, लेकिन परिजात में बहुत जल्दी होगा, इसमें थोड़ा देर होगा। चालीस मिनट तक कुछ खा नहीं सकते, दूधी भोपड़े का रस लेने के बाद 40 मिनट तक कुछ खाना पीना नहीं, 40 मिनट बाद कुछ भी खा पी सकते। रस में नमक नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने बोला क्या नमक? मैंने बोला कोथमीर का रस, मैंने बोला पुदीने का रस, मैंने बोला आलू का रस, मैंने कभी नहीं बोला इसमें नमक मिलाना। अगर मिलाना होता तो मैं बोलता, नमक मिलाया तो उसका सब ताकत खत्म हो गया, नमक नहीं मिला। जी नहीं मिला तो कोथमीर का चलेगा, कोथमीर का भी नहीं मिला तो तुलसी का रस तो कभी भी मिलेगा, उतना तो डाल ही दीजिए। आल का रस तो कभी भी मिलेगा, उतना तो डाल लीजिए, चलेगा। पत्ते डाल दीजिए, मिक्सर में जब पीस रहे हैं तो पत्ते सीधे ही डाल दीजिए तो भी चलेगा। समझ में आया? दूधी भोपड़ा बहुत अद्भुत है। मेरी आपको सबको एक छोटी सी सूचना है कि हृदय रोग का कोई भी मरीज, कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन कराओ, कभी मत कराओ, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि ऑपरेशन कराओ या मत कराओ, स्थिति आपकी वही रहने वाली है। ऑपरेशन होने के बाद यही है कि 2-2.5 लाख रुपए डॉक्टर आपसे ले लेगा, गारंटी कुछ नहीं देगा, वो कहेगा अगले दिन भी हार्ट अटैक आ सकता है, तो क्या फायदा ऑपरेशन कराने से। और मैं आपको बताऊं, हृदयघात का ऑपरेशन करने वाले सब डॉक्टर अपना ऑपरेशन कभी नहीं कराते, वो खुद दूधी भोपड़े का रस पीते, कभी नहीं कराते, क्योंकि उनको माहिती है ऑपरेशन के बाद भी ठीक कुछ नहीं होता। ऐसे मेरे पास बहुत पेशेंट हैं जिन्होंने ऑपरेशन कराया, एंजियोप्लास्टी कराया, बाईपास सर्जरी कराया, फिर से हार्ट अटैक आया, और दोबारा पैसा नहीं था इसलिए ऑपरेशन नहीं करा पाए और दूधी भोपड़ा लेना शुरू किया और वो ठीक है। इसलिए ऑपरेशन कराने की बिल्कुल कोशिश मत करिए। क्या होता है वो मैं समझाता हूं। डॉक्टर करता क्या है, हृदय को रक्त देने वाली जो वाहिकाएं हैं जिनको आर्टरीज कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में, उनमें एक स्प्रिंग डालता है डॉक्टर, और वो स्प्रिंग वही होती है जो बॉल पेन में आपने देखी, बॉल पेन में एक स्प्रिंग देखिए, वही स्प्रिंग है, उसको अंग्रेजी में स्टंट कहते हैं। ये स्टंट 3 रुपए का बनता है और डॉक्टर जब आपको हृदयघात के ऑपरेशन में इसको डाल देता है तो 3 लाख रुपए ले लेता है, 3 रुपए की चीज है, और आपसे 2.5-3 लाख ले लेगा और बोलेगा गारंटी कुछ नहीं, कल फिर अटैक आ सकता, तो फायदा क्या उसको डलवाने का। इसलिए कभी भी हृदयघात का ऑपरेशन कराने की कोशिश मत करिए, दूधी भोपड़े के रस से आपको कोई भी स्थिति ठीक हो जाएगी, मुफ्त की दवा है, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। अलग-अलग प्रकार के रहते हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न। भोपड़े कम से कम 2 प्रकार के तो मैंने देखे, एक तो गोल होता है और एक लंबा होता है, ये जो लंबा वाला है ये सबसे अच्छा है, तो लंबा वाला जो भोपड़ा है उसका रस सबसे अच्छा है, गोल वाला जो है इसको ज्यादा अच्छा नहीं मानते। हाँ, अगर बीज कम होगा तो सबसे अच्छा होगा, और कड़ू है तो उसको प्रयोग कम करिए, कड़ू वो तब होता है जब पक जाता है, पका हुआ दूधी भोपड़े का रस ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, कच्चा हो एकदम, तो उसकी पहचान कैसे करना, एक दूधी भोपड़ा हाथ में लीजिए, उसमें नाखून लगेंगे तो आसानी से नाखून अगर घुस गया तो वो बहुत अच्छा है, और नाखून घुस नहीं रहा है तो बिल्कुल बेकार है। ठीक है, आगे चले, चलिए जी। निरोगी मानस भी इसका रस पी सकते, बहुत अच्छे से पी सकते। अगर निरोगी मानुष इसको पिएंगे तो क्या होगा, शरीर के अंदर जितनी भी टॉक्सिक वेस्ट को क्या कहना चाहिए, विजातीय द्रव या विजातीय तत्व जो शरीर के अंदर घुसे हुए हैं, जिसको जहर कहा जाता है, दूधी भोपड़े का रस इस पूरे जहर को पेशाब के रास्ते निकाल देता है। ये शरीर की ऐसी सफाई करता है जैसे कोई नहीं कर सकता।
बहुत अच्छी सफाई करता है, रक्त की सफाई करता है, जॉइंट्स जितने भी हृदय के आसपास के वहां सफाई करता है, शरीर के जितने भी जॉइंट्स है वहां सफाई करता है, बहुत अच्छा सफाई करता है। जैसे किसी गाड़ी को ओवर हॉलिंग करते हैं ना, वैसे दूधी भोपड़ा शरीर के अंदर की ओवर हॉलिंग करता है। भाई इसको जरा बंद पानी डाल के ना पी है तो अच्छा है, और अगर कोई मजबूरी है तो थोड़ा पानी डाल दीजिए, ज्यादा मत डाल, इतना मत पानी डाल दीजिए कि भोपड़ा ना रहे पानी ही रह जाए, थोड़ा सा मामूली मामूली उतना, जब आप उसको पीस रहे हैं तो थोड़ा पानी तो लगेगा, बिना पानी के पीसेगा नहीं, उतना पानी बार बार माने हर महीने में, हर महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन रोज सुबह एक गिलास पी सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो 200 मिलीलीटर का गिलास इतना काफी है, और बीमारी वालों को 300 मिलीलीटर। साल भर ले सकते हैं, कोई हरकत नहीं, कोई तकलीफ नहीं।